हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर लॉकडाउन में जब सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रुक गई है और पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है, ऐसे में नशा तस्करों ने भी तस्करी के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। हरियाणा में कुछ जगह एम्बुलेंस के जरिए नशीले पदार्थ लाए जाने के मामले सामने आए थे। अब सिरसा में भी एम्बुलेंस में नशा लाए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा सिरसा जिले के डबवाली में भी राशन वितरण के लिए लगे वाहन में हेरोइन मिली है। पुलिस ने इस मामले को देखते हुए सबक लिया है और एक्शन प्लान तैयार किया है। है कि जो जो सामाजिक संस्थाएं, जो भी संगठन जो काम कर रहे हैं इसमें, कुछ तो ऑथेंटिक हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर शक किया नहीं जा सकता, पर क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, पता नहीं चलता किसका कौन क्या है। ये बड़े नाकों पे हिदायत जब से एम्बुलेंस वाला किस्सा हुआ है तो वो भी दे दी गई है कि जो भी आता है बेशक से उसके पास लाइसेंस मतलब परमिट है, अगर वो फूड उसका डिलीवरी का, तो भी उसको एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं कहीं गलत चीज़ उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा।